हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड टुडे वी आर प्लेइंग सिटी स्काईलाइन। सो गाइस, वंस अगेन हम लोग आ चुके हैं एक और मजेदार एपिसोड के साथ में। सो गाइस, लास्ट टाइम अपन ने अपनी सिटी के अंदर फाइनली फाइनली हमें हेलीकॉप्टर की सर्विस स्टार्ट करवा दी थी। हेलीकॉप्टर से हम लोग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए थे लास्ट वाले एपिसोड में। और भाई साहब, आज का एपिसोड अपना होने वाला है खतरनाक, क्योंकि अपनी सिटी जो है ना काफी अच्छी खासी चल रही है और 60,000 पॉपुलेशन हमने कर दी है। साथ साथ प्रिजन भी हमने उससे पहले हमने बनवा दिया था कंप्लीट एक आईलैंड पे। और आज का जो मेरा मेन प्लान है वो है गाइज, क्योंकि हमने काफी टाइम से ना टैक्सी नहीं चलवाई है, और दूसरा पोस्ट सॉर्टिंग फैसिलिटी, तो इन दोनों के ऊपर आज मैं काम करने वाला हूँ। एंड साथ साथ जो ये अपना ट्रेन नेटवर्क है जो यहाँ पे हमने छोड़ा हुआ है, इसको भी मैं आज ये वाले हाईवे के सारे सारे एक्सपेंड करने वाला हूँ, बिकॉज जल्दी हम लोग अपनी सिटी के अंदर एयरपोर्ट बनाने वाले हैं, क्योंकि एयरपोर्ट की अपनी काफी ज्यादा डिमांड भी आ रखी है और मैंने काफी ज्यादा टाइम के लिए मतलब डिले भी कर दिया था एयरपोर्ट। तो पहले अपन एयरपोर्ट बनाएंगे, फिर यहाँ पे नीचे की साइड में जो अपनी जगह बची हुई इस तरफ अपन एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे। सो पहले मेरा प्लान है कि अपन पैसेंजर एयरपोर्ट बनवाए अपन, एंड उसके बाद अपन बनवाएंगे कार्गो एयरपोर्ट। तो दोनों ही एयरपोर्ट अपन बनवाएंगे जल्दी, लेकिन आज का जो अपना वीडियो है भाई, वो स्पेशली एक तो टैक्सी के ऊपर होगा और दूसरा पोस्ट सॉर्टिंग फैसिलिटी, और इससे अपने को होने वाला है गाइस काफी ज्यादा प्रॉफिट। एंड आई थिंक अपनी सिटी के अंदर थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो जाएगा। वैसे तो अपनी सिटी एकदम परफेक्ट ही चलती है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टैक्सी सर्विस भी हम स्टार्ट करवा देंगे तो और भी ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो लेट्स गो। सो गाइस, लास्ट टाइम अपन ने यहाँ पे हमने विजिटर्स के लिए बनवाया था यहाँ पे एक स्पॉट, और यहाँ पे हमने स्पेशली कोर्ट हाउस और लग्जरी होटल ऑल्सो हमने यहाँ पे दिया था। और मैंने बोला था कि भाई यहाँ पे अपने को इसका नाम क्या रखना है, तो काफी लोगों ने नाम सजेस्ट करे हैं। तो एक तो प्रीतम भाई ने भाई ऑलरेडी काफी सारे नाम सजेस्ट करे, लेकिन अब की बार में जो नाम रखने वाला हूँ भाई, वो रखने वाला हूँ गोवा बीच, बिकॉज ये वाले एरिया में ना थोड़ा सा जहाँ तक कंप्लीट एक्सपेंड होने वाला बीच, और काफी लोगों ने डिमांड भी करी थी भाई ये जो बीच वाला एरिया इसमें सैंड डाल दो। तो यार मैं एक काम करूंगा, इसको ना एक अलग एपिसोड में फिक्स करेंगे, क्योंकि इस तरफ भी अपने को एक्सपेंड करवाना है। फिर इसके लिए ना एक अलग से एपिसोड रखेंगे जिसके अंदर ये कंप्लीट एरिया को अपन कंप्लीट बीच में कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल इसका नाम अपन गोवा बीच रखने वाले, बिकॉज क्योंकि ये नाम जो सजेस्ट करा है भाई वो एएम गेमर ने सजेस्ट करा है, तो आई थिंक एएम गेमर की साइड से पहला कमेंट है ये मेरे हिसाब से। तो अपन ये वाला नाम जो रख लेते हैं फटाफट। सो मैं एक डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट हमने अभी तक क्रिएट भाई करी नहीं है। एंड साथ साथ मैं इस तरफ भी एक्सपेंड कर देता हूँ, क्योंकि अपने को इस तरफ में भी जो है बीच को एक्सपेंड करना है कंप्लीट यहाँ तक। तो ये वाला कंप्लीट एरिया है जो अपना, ये पूरा का पूरा बीच रहेगा यहाँ पे, तो मैं जल्दी यहाँ पे एक्सपेंड करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। और अपन चाहे तो आगे की तरफ भी एक्सपेंड करवा सकते हैं, बाकी फिलहाल मैं इसको यहीं तक करके छोड़ रहा हूँ। और इसका नाम अपन चेंज कर देते हैं, चलो भाई इसका नाम हम चेंज कर दिया गोवा बीच। तो यहाँ पे कुछ एक पॉलिसी जो एक्टिव हो जाएंगे, इसके अलावा अपन चाहे तो और भी कर सकते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर सर्विस जो हमने लास्ट टाइम बनवाई थी एकदम चल रही गई जबरदस्त। एंड हेलीकॉप्टर लाइन नंबर 2 पे यहाँ पे की बार 200 से ज्यादा पैसेंजर हो जाते हैं, तो यार ठीक है यार इतना चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अपन चाहे तो थोड़ा सा हेलीकॉप्टर वगैरह और इंक्रीज करवा सकते हैं यहाँ पे, बट मेरे को लगता नहीं इतनी जरूरत है, बिकॉज फिर यहाँ पे ना होल्ड हो जाते हैं हेलीकॉप्टर। जैसे कभी ये खड़ा हुआ है, ये जाएगा देर में दूसरा आ जाएगा उधर साइड से वो आ रहा है, तो ये ठीक है भाई इतने पैसेंजर तो चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलीकॉप्टर वाली लाइन है ना भाई, इसलिए यहाँ बस यही स्टेशन का थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी सब ठीक चल रहा है। और अपनी इस साइड वाली लाइन का मैं तुमको दिखा देता हूँ। सो ये वाली जो लाइन थी अपनी, यहाँ पे देखो कहीं पे कोई होल्ड नहीं है, 27 बंदे हैं, सिंपली आज चले जाएंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर आ रही होने अपने पास कोई ठीक नहीं है। फिलहाल अपने पास दो लाइन यहाँ पे चल रही है, चाहे तो यहाँ से और यहाँ के लिए चला सकते हैं, बट मैं नहीं चलवा रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ से एक मेट्रो जा रही है इस साइड में, यहाँ पे भी नहीं चलवा रहे, बिकॉज यहाँ से ऑल्सो अपनी एक ट्रेन जा रही है कम्प्लीट रास्ते से होते हुए यहाँ पर, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इतना मस्त चलेगा यहाँ पर। तो अभी आ जाते गाइज अपन, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं टैक्सी सर्विस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज अगर अभी तक आप नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, एंड भी यार थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई, अगर तुमने अभी तक एज ए मेंबर ज्वाइन नहीं करा तो भाई प्लीज़ ज्वाइन कर लो अभी एज ए मेंबर। तो अभी अपन चल रहे गाइज थोड़ा सा टैक्सी सर्विस स्टार्ट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक टैक्सी है, टैक्सी डेपो अपने को बनवाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली मैं जा रहा हूँ और एक टैक्सी डेपो में बनवा लेता हूँ। टैक्सी डेपो में भी इस साइड में बनवा दूँ क्या, टैक्सी यहाँ से चली जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? तो मैंने सिंपल एक यहाँ पर रख दिया डेपो, दैट्स इट। इसके अलावा देखता हूँ मैं कितना कॉस्ट लेता भाई, दो डेपो डेपो 160 ले रहा है और स्टैंड 16 लेगा। तो अभी अपने को जगह जगह पर स्टैंड रखने पड़ेंगे, जैसे एक स्टैंड यहाँ पर डाल सकता हूँ मैं, एक स्टैंड यहाँ पर डाल सकता हूँ, दो स्टैंड यहाँ पर इनफ रहेंगे। प्लस उसके अलावा इस साइड में डाल देते हैं, मान लेते हैं एक स्टैंड में डाल रहा हूँ यहाँ पे, एंड ऑल्सो एक स्टैंड में इधर भी डाल देता हूँ, या फिर इसके यहाँ पे डाल देता हूँ डबल,
एंड एक बीच के बाजू में डाल देता हूँ। तीन स्टैंड मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं ले रहा तो अपना काम जो है चल जाएगा। बाकी इस साइड में ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हम यहाँ पे ज़रूर देंगे। जैसे कि हम एक यहाँ पे रख सकते हैं, एंड इसके अलावा एक यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। दो स्टैंड्स हो गए अपने, चलो एक इस वाली एंट्रेंस पर रख लेते हैं, और एक हेलीकॉप्टर के बाजू में रखूँगा मैं यहाँ पर, एंड ऑल्सो ये वाले प्लेटफॉर्म के बाजू में भी एक रखने का प्लान है मेरा। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं करीब करीब यहाँ पर, राइट। इसके अलावा एक टैक्सी डेपो और दूंगा मैं गाइस, और वो टैक्सी डेपो हम रखेंगे इस साइड में कहीं पे, ताकि इस साइड में टैक्सियाँ जो जा सकती हैं, या फिर इस साइड से भिजवा देते हैं ना टैक्सी भाई, सिंपल, राइट। चलो यहाँ पे डाल देते हैं टैक्सी डेपो। तो डेपो पे कुछ टैक्सीज खड़ी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑल्सो हेलीकॉप्टर के बाजू में भी अपने पास होना चाहिए। दो स्टैंड यहाँ पे दे देता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी विजिटर्स आएंगे घूमने फिरने के लिए, राइट। एंड ये वाले स्टैंड है यहाँ पे, तो एक स्टैंड यहाँ पे दे सकते हैं अपन, सिंपल। जैसे कि यहाँ पे घूमने आएंगे तो बंदे अपन इधर भी कहीं पे एक स्टैंड दे सकते हैं, यहाँ पे दे देता हूँ मैं, तो ये वाला इधर का भी हैंडल कर लेगा इजीली। प्लस ये वाला अपना स्टेशन हो गया, स्टेशन के बाजू में अपन चाहे एक रख सकते हैं। एंड ये हो गया बस स्टैंड, तो बस स्टैंड के बाजू में आ जाएगा, और नाइस। बट उधर मेरे को रखना नहीं है गाइस, मैं एक काम कर रहा हूँ फिर, यार इधर कहीं आएगा नहीं है ना, सीन है थोड़ा सा यहाँ पे मेन रोड पे। एक काम करते फिर इधर रख लेता हूँ मैं, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा इस तरफ भी आ जाते हैं, अपने को मल्टीपल्स रखने हैं, ठीक है, कम नहीं रखेंगे क्योंकि टैक्सीज हमने अभी तक चलवाई नहीं है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा मल्टीपल अपने पास रहेंगे। तो एक काम करता हूँ मैं, एक फॉरेस्ट एरिया में दे देता हूँ गाइस। चलो भाई ये फॉरेस्ट एरिया में हो जाएगा, यहाँ पे ऑल्सो बस स्टैंड है तो ये अच्छा रहेगा। चलो भाई थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में एक यहाँ पे हो जाएगा। प्लस इस साइड के लिए एक कॉर्नर पे दे देता हूँ मैं। प्लस यहाँ पे काफ़ी सारे स्टैंड्स लग रहे हैं मेरे को, तो एक स्टैंड यहाँ पे दे देता हूँ। प्लस एक यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक ये मार्केट के इधर रख लेते हैं, डन। आई थिंक इतने इनफ रहेंगे। चलो भाई अभी साइड में आ जाते हैं, यहाँ पे भी अपने को एक डेपो और स्टैंड्स वगैरह अपने को जरूरत पड़ेगी, तो मेरे को स्पॉट देखना पड़ेगा। आई थिंक ये वाला स्पॉट अपने पास फ्री पड़ा हुआ, राइट, ये वाला, तो ये मस्त काम आएगा यहाँ पे, बिकॉज जहाँ पे ऑल्सो अपने पास एक स्टेडियम है, तो यहाँ पे भी काफ़ी बंदे आएंगे गाइस जो कि टैक्सी का यूज़ करके जाने वाले हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी अपन टैक्सी सर्विस देंगे। और ऑल्सो अपने विलेज जो है यहाँ पे भी अपने पास टैक्सी स्टैंड होना चाहिए, तो डेफिनेटली भाई यहाँ पे स्टॉप्स है, नाइस, यहाँ पे आ जाएगा एक, लेट्स गो। एक इस साइड में कहीं पर मैं दे देता हूँ, चलो सिंपल। ऊपर वाले विलेज के लिए एक और डाल देते हैं यहाँ पे कहीं पे, डन। जगह जगह पर मैं डाल देता हूँ स्टैंड्स। ऑल्सो इस साइड के लिए यहाँ पे रख देते हैं एक, यहाँ के लिए साइड रख देते हैं एक, यहाँ पे डाल देता हूँ, प्लस एक यहाँ पे, ठीक है। और एक ये वाले विजिटिंग स्पॉट पे डाल देता है, आई थिंक अभी इनफ है, आई थिंक सो। बस ये वाले दो साइड्स बचे हैं ना अपने पास, राइट। चलो एक स्कूल के बाजू में दे देते हैं, प्लस एक यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, राइट। एक यहाँ पे यार विजिटिंग वो थी ना फैसिलिटी, कहाँ पे थी वो वाली बिल्डिंग, अच्छा ये वाली थी यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हो गया सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जा भाई। इसके अलावा आई थिंक इस साइड में दे देता हूँ एक, चलो एक यहाँ पे डाल दिया मैंने, सिंपल, ठीक है। अभी काफ़ी सारी स्टैंड्स हो चुके अपने पास, ऑसम, लेट्स सी। तो यहाँ के लिए टैक्सी वैक्सी आ रही है भाई, नहीं, यहाँ के टैक्सी डेपो हमने कहाँ पे बनवाया, टैक्सी डेपो यहाँ पे है, राइट, ओके। तो यहाँ से 24 टैक्सी जा चुकी हैं गाइस ऑलरेडी, एंड यहाँ पे मल्टीपल से अपने पास टैक्सी कैब और ब्लैक टैक्सी कैब, तो मिक्स ही चलने देते यहाँ पे, कोई सीन नहीं है। आई थिंक एक टैक्सी ये आई है, नहीं, जस्ट निकल के, यस, प्रिजा का आ रही है, ड्यूड इतनी दूर, ओके, ये टैक्सी कुछ ज़्यादा दूर आती जाती रहती भाई। और इसके अलावा हमने टैक्सी डेपो कहाँ पे बनवाया था, यहाँ पे कहीं पे बनवाया था ना, इससे कितनी टैक्सी निकली है अभी तक, 25, ओके। तो एक कैब से, मतलब एक डेपो से 25 ही निकल सकती है ना, तो फिर अपने भी यार ये भी मल्टीपल चेयरिंग गाइस, तो डेफिनेटली इसका भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज करवा देता हूँ लिमिट, राइट। चलो एक यहाँ पे रख देता हूँ, इस साइड में हमने स्टैंड्स दिए थे यार टैक्सी के, नहीं दिए ना, चलो एक यहाँ पे दो भाई स्टैंड, एंड एक स्टैंड यहाँ पे रख लेता, सिंपल। ऑल्सो चाहे तो एक स्टैंड यहाँ पे रख लेते हैं, करेक्ट, एक स्टैंड इस तरफ भी रखते हैं। चलो भाई अभी मैंने थोड़ा और इंगेज करवा दिया, और यहाँ से भी टैक्सी अभी जाना स्टार्ट हो चुकी हैं,
टू टैक्सियां यहाँ से जा चुकी है, नाइस। इसके अलावा इस तरफ का मेरे को देखना है, यहाँ पे हमने कहीं पे डेपो बनवाया था, यहाँ पे भी एक डेपो बनवा देता हूँ सिंपल, राइट, क्योंकि टैक्सियां काफी आई नहीं जाएंगी ना अपने पास। तो कहीं भी जगह देख के, जैसे कि इसके पीछे पड़ी हुई जगह, नहीं इधर नहीं डालता यार मैं, इधर अपना फायर वो स्टेशन है, तो चलो यहाँ पे डाल देता हूँ, डन है। यहाँ से ऑल्सो अपने पास टैक्सीज जो चले जाएंगे, तो मे बी मैंने चार, एक यहाँ पे डाल दिया राइट, एंड एक ऊपर डाला था दो, एक यहाँ पे डाला तीन, और एक यहाँ पे चार, तो 100 टैक्सीज जो है सिटी के अंदर भी चलेंगी राइट, तो मे बी इनफ रहना चाहिए। बाकी अगर जरूरत पड़ेगी तो अपन और भी एक्सपेंड करवा देंगे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से 6 7 8, ओ माय गॉड, 2 टैक्सियां और निकल चुकी है, यहाँ से 8 हो गई हैं। ओके, और भी निकलती जा रही है अभी, ठीक है भाई, देखते जा कितनी कितनी दूर तक तो जाती है टैक्सियाँ। अच्छा, ये बंदे को पिकअप करने जा रही है, तो अभी काफी बेटर हो जाएगा अपना। सो गाइस, कैमरा इससे पास में नहीं हो रहा है एक्चुअली ना, बग हो गया है, दैट्स व्हाई। एंड अभी मैंने दूसरी टैक्सी पकड़ी है, तो यहाँ से अभी एक बंदे को हमने पिकअप पिक करा है, और इसको अपन छोड़ने वाले कहीं पे, यहाँ पे, तो मतलब सिंपली ये बंदा यहाँ से बैठ के और इधर जाने वाला कहीं पे टैक्सी के जरिए, नाइस। तो ये देख रहे हो, शॉर्ट रूट के लिए भी टैक्सी अभी काम में आने वाली है, तो मस्त प्रॉफिट वगैरह अपने को होएगा। ओ भाई, यहाँ पे यार इतने बंदे पिंक पिंक क्यों घूम रहे, इतने सारे, क्या चल रहा है भाई इधर? तो चलो, अपने पास टैक्सी भी फाइनली आ गई है ना, तो एकदम सही रहेगा। चलो, इसने यहाँ यहाँ पे इसको छोड़ भी दिया है, अभी देखते हैं नेक्स्ट कहाँ पे जाती है एक्चुअली ये टैक्सी, है ना, क्या अभी वापस स्टैंड पे जाएगी या फिर किसी, ओ नाइस, किसी और पकड़ने जा रही भाई। ओ भाई साहब, यहाँ पे ब्रो इतनी दूर, ओके तो एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ले लेता हूँ फर्स्ट पर्सन कैमरा। मैं सोच रहा था कि टैक्सी का ही व्यू लेते हैं, बट वो कैमरा उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है वहां पे, तो चलो यहाँ पे जा रहे हैं। और इसमें ना ऐसा भी होता है कि अगर टाइम पे टैक्सी नहीं पहुंचे ना, तो कोई दूसरा टैक्सी वाला भी पिकअप कर सकता है सेम ही बंदे को, तो ये भी काफी उस समय। भाई नजारा देखो तुम लोग, नजारा जबरदस्त है ना, जबरदस्त दिख रहा है भाई सामने हिल वाला तो, एंड जो सड़क के ऊपर लाइटें लगी हुई है ना, खतरनाक लग रही भाई। चलो, यहाँ पे अपना फायर हेलीकॉप्टर डेपो भी आ चुका है, और जल्दी अपन पोस्ट सॉर्टिंग फैसिलिटी और बनवाने वाले, बिकॉज वो भी एक तरह की इंडस्ट्री है, मतलब एज ए इंडस्ट्री वर्क करेगा, एंड उससे भी अपने को काफी अच्छा खासा प्रॉफिट होएगा, तो वो भी अपन ने अभी तक स्टार्ट नहीं करवाया, तो उसको भी अपन सही से सेट करेंगे। एंड कुछ एपिसोड्स पहले गाइस मैंने ट्रेन वगैरह भी ऐड करी थी, ये देखो जो सामने ट्रेन जा रही है ना वहाँ पे, वो ट्रेन जस्ट मैंने ऐड करी थी, एंड तब सारे ट्रेन के मॉडल भी मैंने ऐड करे थे, प्लस कुछ गाड़ियां मैंने ऐड करी थी कुछ टाइम पहले ही, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ तुमको। जैसे बाजू में ये ट्रेन जा रही है ना, जस्ट ये वाली, भाई टैक्सी किधर चली गई, ये वाली ट्रेन, ये जस्ट रिसेंटली मैंने ऐड करी थी, ये इसके अंदर ना देख रहे हो पीछे वाले वैगन लॉग्स वाले हैं, इसके पीछे लॉग्स भरे हुए हैं, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वैगन भी हैं, जैसे कि ये वाली ट्रेन है डबल इंजन के साथ में, ये वाली ट्रेन है, इसमें ना डबल इंजन लगे हुए हैं आगे, और पीछे ग्रे वो कोल टाइप समथिंग कुछ वैगन लगा हुआ है, ग्रेन टाइप, जिसके अंदर ग्रेन भरा जाता है, उस तरह का यहाँ पे वैगन है, एंड कोल टाइप, कोल का वैगन भी था शायद, मैंने देखा था किसी ट्रेन में। तो यहाँ पे मल्टीपल ट्रेन जो मैंने ऐड करवाई थी, देखने में भी काफ़ी औसम लगेगी ना, इस तरह की नॉर्मल बाई डिफॉल्ट जो ट्रेन चलती रहती है ना, तो देखने में औसम ही लगती है। बाकी ये देख रहे हो, ब्रिज के ऊपर से गुजरेगी ना, तो अलग ही फील आएगा भाई, ये देख रहे हो, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल राइट। तो ये काफी सही सीन है यहाँ पे, और बाई डिफॉल्ट ट्रेन तो भी शायद मुश्किल से देखने को मिल रही है, ये देख रहे हो, एक डबल डेकर ट्रेन यहाँ पे जा रही है जो कि पैसेंजर वाली है, तो पैसेंजर और कार्गो दोनों ही ऐड करी थी मैंने, कुछ एक डिफॉल्ट भी चल रही है यहाँ पे, तो ये काफी औसम सीन है। ये वाली कार्गो वाली ट्रेन देख लो, बाई डिफॉल्ट चल रही है, तो बाई डिफॉल्ट एंड वो दोनों ही टाइप की चल रही है यहाँ पे, देख रहे हो सेम सेम दो ट्रेन जा रही है भाई, देखने में काफी औसम लगता है यहाँ पे नज़ारा। अभी यहाँ से बैठ के देखते हैं नज़ारा, देखना तुम लोग, ज़हर दिखेगा भाई, ये देख रहे हो अलग ही नज़ारा ना यहाँ पे। तो चलो गाइस, अभी अपने टैक्सी सर्विस जो है ऑल्सो स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी अपन जाके और स्टार्ट करवा लेते हैं पोस्ट सॉर्टिंग फैसिलिटी। तो अपने को जाना पड़ेगा इंडस्ट्रीज वाले पैनल पे, और यहाँ पे अलग से दिया हुआ है पोस्ट सर्विसेज का, तो अपने पास यहाँ पे दो बिल्डिंग्स है, एक तो पोस्ट ऑफिस है अपने पास, और एक पोस्ट सॉर्टिंग फैसिलिटी। तो पोस्ट ऑफिसेज जो है वो जगह जगह बनेंगे सिटी के अंदर, एंड इसकी रेंज रहती है, एंड ये वाला सॉर्टिंग फैसिलिटी जो बड़ी फैसिलिटी रहती है, जिसके अंदर जो कि ये वाली जो पोस्ट ऑफिस है, जितने भी मेल यहाँ से कलेक्ट करेगी या सेंड करेगी, वो सारे के सारे इस पे सेंड करेगी, और यहीं से मतलब जैसे यहाँ से अगर
किसी को मेल भेजना है, ठीक है, तो वो यहाँ पे सेंड करेगा पोस्ट ऑफिस पे, और पोस्ट ऑफिस वाले बंदे पोस्ट सॉर्टिंग फैसिलिटी पे, और फिर पोस्ट सॉर्टिंग वाले जहाँ पे भेजना है उसको उधर भेजेंगे, ठीक है। मान लो एक पोस्ट सॉर्टिंग फैसिलिटी मैं यहाँ पे बनवा देता हूँ, सिंपल। तो क्या सीन है भाई इसका, यहाँ पे अभी देख रहे कुछ मेल्स वगैरह कुछ नहीं आए, बिकॉज ये पोस्ट जो अपनी पोस्ट ऑफिस है ना उस पर काम करेगा ये। तो अभी जस्ट इसको बैठाते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि एक अगर मैं यहाँ पे बनवा दूँ तो ये दोनों साइड का हैंडल कर लेगा इजीली, राइट। तो डेफिनेटली इसको अपन यहाँ पे कॉन्टेक्ट दे देता हूँ मैं, तो ये वाली बिल्डिंग जो है कंप्लीट देख लेगा ना अकेले, ये देख रहे हो यहाँ पे कहीं पे आ जाओ जरा। अच्छा ये ऑलरेडी ग्रीन हो गया, मतलब इतना बड़ा एरिया को अकेला बिल्डिंग देख लेगा, ठीक है, नाइस। तो यहाँ से अपने पास कितने वैंस मिलेंगे, अपने को 10 वैंस मिलेंगे और दो ट्रक्स मिलेंगे। तो सिंपली वैंस जो रहेंगी वो क्या करेंगे कि सिटी के अंदर से मेल कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, एंड जो ट्रक्स हैं ये यहाँ से सारे मेल कलेक्ट करेंगे और लेके जाएंगे ये पोस्ट सॉर्टिंग फैसिलिटी में, ठीक है, पोस्ट सॉर्टिंग फैसिलिटी, राइट, पोस्ट सॉर्टिंग फैसिलिटी, ओके। तो यहाँ से मेल्स वगैरह को इधर उधर सेंड करा जाएगा जो भी एड्रेस रहेगा उसके ऊपर उस हिसाब से। तो यहाँ से 7 वैंस चली गई भाई, रुको जरा, ये वाली पोस्ट वाली है, हाँ पोस्ट वैन ये है, ठीक है। तो ये इसका वर्नर है, ठीक है। अब देखते हैं डिलीवरिंग मेल, ये मेल डिलीवर करने जा रहा है, किधर जा रहा है भाई, अगर किसी को लोकली भेजना होगा तो भाई उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद से, वो लोकली भी सेंड कर देगा, बाकी और थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा, आई थिंक लोकली तो सेंड कर ही देगा वो, या फिर शायद से ये पोस्ट सॉर्टिंग फैसिलिटी पे जाएगा फिर वहां से गाड़ियां भेजेंगे ना, वो भी देखना पड़ेगा। ओ भाई साइबिक बीच में ट्री झुक गई है, निकालनी पड़ेंगे, चलो भाई देखते हैं कहाँ पे जाता है ये, बाकी ये है उधर का, विल सी, शायद इधर ही साइड जाना चाहिए या फिर यार ये उधर से भी आ सकता था यार, यहाँ पे भी ट्री हुई भाई, क्या हो रहा है भाई, देख रहे हो यहाँ पे भी एक ट्री होगी पड़ी है यहाँ पे भी। भाई जैसे अपन रोड्स वगैरह बनाते हैं तो ऑटोमेटिक जो ट्री डिलीट हो जाती है, तो मैं कई बार सेव करता हूँ ना, मतलब लोड करता हूँ गेम नहीं गेम वापस से, तो वो कई बार निकल आती सड़क के बीच में ट्रीज, तो मेरे को निकालना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे मोड्स है ना, बग हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। भाई जाएगा किधर भाई ये भेजने, लेट्स सी, ये गाड़ी कुछ ज्यादा दूर नहीं जा रही है भाई, एंड ऑल्सो यहाँ पे भी ट्रीज है भाई हाईवे के बीच में। भाई नेक्स्ट लेवल नजारा चल रहा है इधर ब्रो, इस पे दिखा नहीं रहा क्या कुछ, डिलीवरिंग मेल ओनर यहाँ क्या ये जा कहीं और रहा है, यहाँ से कुछ दिखाएगा, ओ यहाँ से दिखा रहा है, ओके तो जा कहाँ रहा है, ओ अच्छा यहाँ पे जा रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नाइस नाइस नाइस, मतलब सिटी के अंदर ही जा रहा है, ठीक है ना। बाकी अब ये यार ये इसका क्या सीन है फिर, यहाँ पे भी व्हीकल्स आ रहे हैं, और व्हीकल्स कहाँ से आ रहे हैं, एक सेकेंड, ये वाला है ट्रांसपोर्टिंग मेल, अच्छा बाहर की साइड से एक ट्रक आया जो मेल सेंड करवाने जिसको सिटी के अंदर, ओके तो वो वाले ट्रक्स इधर आएंगे। हाँ अभी समझ में आया मेरे सीन क्या एक्चुअली, कि मान लो ये वाली जो सॉर्टिंग फैसिलिटी राइट, ये बाहर और इन करेगी शायद से सॉर्टिंग बैचेज, यस मतलब सिटी के बाहर सेंड करना हो या फिर बाहर से जो आएगा वो इधर आएगा ना, एंड ये वाली नॉर्मल वाली जो है लोकली काम करेंगी। तो यहाँ पे 10 की 10 यूज में हो रही है अभी, ठीक है, एंड अनसोर्टेड मेल इनके पास 6,000 पड़े हुए और सोर्टेड मेल 34,000 पड़े हुए। अनसोर्टेड मेल तो मेरे को देखना पड़ेगा, अनसोर्टेड मेल जो है क्या ये सारे सारे मेल यहाँ पे सेंड करे जाएंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे भी अनसोर्टेड और सोर्टेड है, बाकी इसको थोड़े दिन फिगर आउट हम करेंगे, फिलहाल मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करवा देता हूँ फिर उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं। अभी देख रहे हो यहाँ पे बिल्डिंग है, थोड़ा कलर चेंज वगैरह होना स्टार्ट हो गया है, एंड डेफिनेटली एक ये वाला एरिया में मैं दे देता हूँ ना, ये कम्प्लीट हो जाएगा फिर इधर का भी। चलो एक पोस्ट ऑफिस यहाँ पे डाल देते हैं, प्लस यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, इतना बड़ा एरिया आराम से हैंडल कर लेगा ये। इसके बाद एक ही बिल्डिंग है जो कंप्लीट जे वाले कंप्लीट एरिया को हैंडल करेगी, एक सिंपल एक सिंगल फैसिलिटी अपनी राइट। इसको थोड़ा सा सीधा करता हूँ मैं, यार पार्क वाली उसके अंदर घुस गई है, अभी यहाँ से ऑलरेडी व्हीकल्स जाना स्टार्ट हो चुके हैं, एंड ये वाली वैन किधर जा रही भाई, यहाँ से जा रही है और ये काफी काफी दूर दूर तक जा रही है ना, ये वाली बिल्डिंग पे जा रही है, ओके एक काम करता हूँ सारे में फैला देता हूँ, फिर ऐसा होएगा ना कि आजू बाजू मतलब ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे गाड़ी, आजू बाजू ही काम करेंगी शायद से, इससे ये वाली फैसिलिटी अपने को और सो देनी पड़ेगी। ओ भाई ये मस्त जगह है यहाँ पर, चलो
ये वाला कंप्लीट इस तरफ का देखेगा तो डेफिनेटली एक इस तरफ डालनी पड़ेगी मेरे को। OMG, ओके चलो भाई फिलहाल इधर डाल देता हूँ मैं एक। तो काफी बड़ा एरिया ग्रीन हो गया है ना, तो ऑल्सो इस साइड का भी देख लेते हैं भाई। इस साइड से अपना गाड़ी जा रही, वैसे देखा जाए तो ये पोस्ट सॉर्टिंग वाली इसके अंदर जा सकती है शायद गाड़ी। एक और डाल देता हूँ यहाँ पर, चलो देखते हैं इसके अंदर से जो वैन निकले किधर जाती है। ये किधर जा रही है भाई, ये जा रही है यहाँ पे। ओके ये वाले घर के आसपास कहीं जा रही है, ठीक है भाई। इसके अलावा कोई और गाड़ी है जो दिख जाए, कोई मेरे को देखना है जस्ट सिंपल इसके अंदर घूम रही है कि नहीं गाड़ी कोई भी। ये वाली गाड़ी जा रही है इसके ऊपर जा रही, ठीक है। इसके अंदर वाली कोई गाड़ी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी भाई, मेरे को जस्ट देखना था। इसके अंदर जानी तो चाहिए क्योंकि ये सर्विस वाली गाड़ी है ना भाई, दैट्स व्हाई। ये वाली भी ऑल्सो वहीं पे जा रही है, ठीक है भाई। चलो मैं फिलहाल ऐसा करता हूँ कि इधर भी मैं डलवा ही देता हूँ ताकि इतनी दूर दूर गाड़ियाँ ना घूमे भाई एटलीस्ट। आ जाओ भाई, ये पोस्ट सॉर्टिंग फैसिलिटी इधर बनवा देगा। इसके बाद में यहाँ पे पहले हमने पार्क बनवाया था राइट, थोड़ा सा वियर्ड बना यार यहाँ पर ना, यार यहाँ पर नहीं बनेंगे हम। ये स्टैंड के बदल बगल बना देता हूँ मैं एक। अपने पास यहाँ पे हो गई है ना, ये कितना बड़ा रेंज मतलब कितना बड़ा एरिया कवर कर रही है भाई, तो इतना बड़ा एरिया कवर कर रही है, ठीक है। ये मैं डेफिनेटली यहाँ पे डालूंगा, और ये वाले साइलों को अपन चेंज कर देते हैं इसका लोकेशन। ये साइलों का लोकेशन चेंज करते भाई, ये साइलों का लोकेशन डालता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया इसको। यहाँ पे जस्ट सिंपल एक पोस्ट सॉर्टिंग फैसिलिटी हम डाल देंगे जो कि ये नीचे वाले एरिया को मैंने कवर कर लेगी। अपने को अलग से फिर इस तरफ डालने की जरूरत नहीं, फिर देख लेंगे अगर यहाँ पे अगर अपने को जरूरत पड़ी तो डाल देंगे। अभी आ जाते हैं यहाँ पे कहीं पे एक सेंटर में और दे देते हैं। चलो भाई एक ही सेंटर में हो जाएगी एंड एक ऊपर की साइड में डाल देंगे यहाँ पे अपन स्पेस होल्डर भाई, ठीक है भाई। यहाँ पे दो हो गई हैं, एक अपने पास ऊपर हो चुकी है, ऑल्सो एक इस साइड में हो जाएगी, डन। अब इसके अलावा मेरे को लगता नहीं और जरूरत पड़ेगी अपने को, बाकी इस साइड का थोड़ा इस साइड में डाल सकते हैं अपन, ये साइड के लिए भी। मेरे को देखना था वहाँ पे गाड़ी जा सकती है कि नहीं जा सकती, बट मेरे को लगता नहीं वहाँ पे जा सकती है। ये पोस्ट ऑफिसेज का ही था ना, यस। तो क्या मेरे को पोस्ट ऑफिसेज वाली गाड़ी दिख जाएंगी ऊपर से ही, मतलब उसके जरिए भी आ रहे भाई, नाइस नाइस। शिप्स के जरिए भी अपने पास मेल्स आ रहे हैं, नाइस ओके। तो अभी सर्विसेज वगैरह थोड़ी इंक्रीज हो चुकी हैं उस समय, अभी धीरे धीरे थोड़ा चेंज होना स्टार्ट होएगा एरिया अपना। जी वाले एरिया के लिए हर जगह ही होनी चाहिए भाई ऑफिसेज तो। और ये क्या टैक्सी स्टैंड पे टैक्सी नहीं है भाई, क्यों? लेकिन हमने डेपो वेपो नहीं बनवाया गया यहाँ पे, टैक्सी डेपो यार हमने दिया तो था। ये वाले से कितनी टैक्सी गई भाई, तो 25, ओके। एक सेकेंड, टैक्सी टैक्सी टैक्सी, ये था अपने पास डेपो राइट। तो ये सारे स्टैंड थे अपने पास, यहाँ पे डेपो नहीं था ना, तो यहाँ पे एक अलग से भी डेपो दे देता होगा इसमें, ये लो, ताकि अपने पास और ज्यादा टैक्सी आ जाए, क्योंकि ज्यादा सारी की सारी टैक्सी अपनी लगभग यूज में हो रही है ना, दैट्स व्हाई राइट। और इस साइड में भी अपन ने कहीं पे दिया था, वो भी मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। 25 ही गाइस यहाँ पे यूज हो रही, तो डेफिनेटली अपने को थोड़ी और इंक्रीज करवानी पड़ेगी, क्योंकि ऑल्सो ये देख रहे हो सारी सारी यूज में स्टैंड पे, मतलब फ्री कोई भी नहीं है सारी सारी टैक्सी यूज में। तो मैं काम कर रहा हूँ फिर इधर भी एक और दे देता हूँ एक टैक्सी डेपो, सॉरी पोस्ट सॉर्टिंग फैसिलिटी बनवा रहा हूँ मैं इसके बाजू में। यहाँ पे ऑल्सो मैंने डाल दिया, तो अभी यहाँ पे डाला ना, तो मैंने जस्ट एक स्टैंड यहाँ पे डाल देता हूँ। एविएशन क्लब है ना इसके बाजू में, मस्त रहेगा ना गाँव, उतना ज्यादा ले नहीं रहा ना, इस वाला ही ले रहा है। बाकी एक्स्ट्रा मतलब जो टैक्सी फ्रीज रहेंगी, मतलब जो फ्री रहेंगी तो यहाँ पे आके खड़ी हो सकती है सिंपल। एंड जस्ट अभी अभी यहाँ से प्लेन निकला है। तो चलो यार ये दो सर्विसेज अपने को स्टार्ट करवानी थी जो फाइनली स्टार्ट हो चुकी हैं। काफी बड़ा एरिया जो है चेंज हो गया ना, नाइस। एक सेकेंड, यहाँ पे भी मेल्स वगैरह आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो एक फैसिलिटी तो अपनी यहाँ पे होगी फैसिलिटी राइट, ये पोस्ट सॉर्टिंग फैसिलिटी राइट। तो डेफिनेटली एक और दूंगा यार मैं पोस्ट सॉर्टिंग के लिए। अभी मैं सोच रहा हूँ ये दू कहाँ पे, डेफिनेटली ये वाला एरिया में अपन दे देते हैं। तो ये वाली यार काफी बड़ी है देखा जाए तो, पोस्ट सॉर्टिंग फैसिलिटी एक और यहाँ पे बन चुकी है, तो जल्दी ये वाली भी स्टार्ट हो जाएगी। कोई तो एक गाड़ी आ रही भाई, इधर भी आ रही है एक गाड़ी, कहाँ से आ रही भाई, काफी दूर दूर से आ रही व्हीकल। अच्छा बाहर से आ रहे हैं, ओके 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 ओके। तो मतलब बाहर से मेल्स वगैरह आते हैं इंडस्ट्रीज पे या फैमिलीज जितने भी हाउसेज हैं उन सबके पास, तो वो सारे सारे यहाँ पे आएंगे पहले, ठीक है। वो इतना तो कन्फर्म है, जितना मेल बाहर से आएगा ना वो सीधा पोस्ट ऑफिस पे नहीं जाएगा, वो सॉर्टिंग फैसिलिटी पे आएगा पहले, फिर यहाँ से पोस्ट ऑफिस पे जाएगा। एंड जिनको भी बाहर भेजना है वो पोस्ट ऑफिस पे भेजेंगे, और फिर वो यहाँ पे भेजेंगे, और फिर यहाँ से बाहर जाएगा, ऐसा रहेगा। लेकिन सिटी के अंदर पोस्ट पोस्ट घूमता रहेगा, वो सब चलेगा सिटी के अंदर, कोई सीन नहीं है उसका। ये आई थिंक हैंडल हो जाएगा ना यहाँ से। इसके कितने व्हीकल्स यूज में है बाय द वे, 10 के 10 यूज में है गाइस इसके।
अभी देखना ये कि ये क्या हैंडल कर लेगा अकेला पोस्ट ऑफिस, या फिर अपने को इसके लिए भी अपने को देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और यहाँ पे चलो एक और डाल देता हूँ यहाँ पे, ये इसका लोकेशन सीधा दिखाता नहीं, अपने को ट्रैक करना पड़ेगा, सिंपल ऐसा रहता है। तो यहाँ पे जा रहा है ऊपर, तो एक काम करते हैं भाई जरा हमें एक राइड दे दो प्लीज। तो ये अपनी छोटी वाली गाड़ी है भाई जो सिटी के अंदर घूमेगी। ओ भाई यहाँ पे देख रहे हो नजारा, फैक्ट्री हो, फैक्ट्री एरिया भाई अपना, जहाँ पे अपनी फार्मिंग चल रही है इधर मस्त वाली। ये ग्रेन के साइलोज भरे पड़े हैं भाई इधर दबा दबा के। चलो ओ सम, अरे अरे भाई साहब बीच में से निकाल दी गाड़ी। तो चलो अपना यहाँ पे ऑल्सो आज जो है फाइनली अपनी एक तो टैक्सी स्टार्ट हो गई, प्लस पोस्ट ऑफिस वाला भी स्टार्ट हो गया। भाई इतना डिले करा है मैंने ये पोस्ट और टैक्सी बहुत ज्यादा डिले कर दिया था, तो चलो फाइनली बनवा दिया। मैं सोच रहा था कि अलग से एपिसोड बना देता हूँ इसका, तो चलो आज फाइनली अपना बन गया है। एंड जल्द ही अपन जो है गाइस एयरपोर्ट भी बनवाने वाले, लेकिन उससे पहले अपने को थोड़ा सा ट्रेन नेटवर्क भी थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, तो वो भी अपन करेंगे। एंड आई थिंक मे बी नेक्स्ट एपिसोड में, आज का एपिसोड स्पेशली टैक्सी और पोस्ट सॉर्टिंग फैसिलिटी के लिए ही था मेरा। बाकी नेक्स्ट वाले एपिसोड में डिसाइड करते हैं अपन कि अपने को एयरपोर्ट बनवाना चाहिए कि नहीं, वो तुम लोग मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। बाकी बनाना तो चाहिए, एंड वो वाला वीडियो काफ़ी बड़ा भी होएगा अपना, मे बी 1 आवर तक जा सकता है, बिकॉज उसमें बहुत कुछ करना है अपने को। एक तो ट्रेन नेटवर्क पूरा जो अपने को फैलाना पड़ेगा, और शायद से अपने को ट्रेन अपना जो सिस्टम है उसमें थोड़ा चेंजेस वगैरह भी करना पड़े, बिकॉज हर एक स्टेशन को अपने को एयरपोर्ट से भी ऑल्सो कनेक्ट करना है, तो वो सब भी अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उस हिसाब से फिर अपने को चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी, तो सभी अपन करेंगे भाई। बाकी गाड़ी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाली है, और इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई डिमांड हो तो मेरे को बता देना। बाकी ये वाला एपिसोड कैसा लगा तुमको ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अभी तक एज ए मेंबर ज्वाइन नहीं करा तो करो, लाइक नहीं करा तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो आएगा आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यूजुअली वीडियोज आते हैं अपने एक दिन छोड़ के एक दिन, और कभी कभी कंटिन्यू भी आ जाते हैं, तो मे बी नेक्स्ट भी आई थिंक वीडियो आ जाएगा जल्द ही। और यहाँ पे भाई तीन तीन दो दो टैक्सियाँ घूम रही है। ओके तो टैक्सियाँ यार विजिटर्स स्पॉट पे तीन चार पांच टैक्सियाँ दिख रही है मेरे को यहाँ पे ओके तो इसने यहाँ पे मेल डिलीवर कर दिया है। ओके डबल डबल मेल। ओके अभी नेक्स्ट मेल कहाँ पे? तो यहाँ पे। ओ भाई नाइस नाइस, मुझे लगा ये सिंगल मेल लेके जाता है, ठीक है भाई, मतलब मल्टीपल मेल्स लेके जाती है गाड़ी। तो ये टैक्सी सर्विस देख रहे हो काफ़ी अच्छी काम आएगी अपन। और अब देखते हैं आजू बाजू जो स्टैंड दिखेंगे तो वहाँ पे टैक्सी अपनी खड़ी है, अगर वहाँ पे टैक्सी खड़ी होंगी इसका मतलब ये है कि अपने पास ज़्यादा टैक्सी है ना, इतने पैसेंजर नहीं आ रहे। लेकिन मेरे को लगता नहीं कोई टैक्सी फ्री है, क्योंकि हमने लिमिटेड ही बनवाई है ना, पाँच छः ही बनवाई है बस टैक्सियाँ, तो अपने को जरूरत पड़ेगी तो अपन और बनवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई मस्त, यहाँ पे स्लो ही चलेगा रफ्तार, क्योंकि विलेज एरिया ना अपना, यहाँ पे हाई स्पीड गाड़ियाँ नहीं चलेंगी धूल मिट्टी वैसे उड़ती रहती भाई यहाँ पे। एंड ऑल्सो कोई कुछ बंदे मेरे को बोल रहे थे कि भाई थोड़ा लग्जरी डीलर्स कार डीलर शॉप भी बनवाओ, तो वो भी अपन बनवा देंगे चिल। एंड ऑल्सो नेक्स्ट वाले एपिसोड में ही एक बंदे ने डिमांड करी थी कि भाई साहब क्रिकेट स्टेडियम बनवा देना तो क्रिकेट स्टेडियम में अपन बनवाएंगे। ओके तो मे भी अपन ऐसा भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्लान अपन थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले एपिसोड में ऐसा हम कर सकते हैं कि क्रिकेट स्टेडियम हम बनवा सकते हैं, और ट्रेन नेटवर्क को थोड़ा ठीक करके और जहाँ पे अपन एयरपोर्ट बनवाने वाले वहाँ तक लेके जा सकते हैं, ताकि फिर उससे आगे आने वाले एपिसोड में अपन कंप्लीट एयरपोर्ट को अपन बना दें, और फिर अपनी लाइन वगैरह जो है तुरंत ही स्टार्ट हो जाएंगे, अपने ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये भी यार एक थोड़ा प्लान अपना हो सकता है, तो तुम मेरे को बता देना कि नहीं भाई पहले एयरपोर्ट ही बनवाओ, या फिर दूसरा क्रिकेट स्टेडियम पहले बनवाओ और ट्रेन नेटवर्क को थोड़ा ठीक कर दो, ये अपना दूसरा प्लान रहेगा। तो कौन सा वाला प्लान पहले फॉलो करना है वो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, तो उसी के ऊपर पहले वीडियो आ जाएगा। एंड मे बी नेक्स्ट वीडियो अपना जो आएगा, मे बी मैं कुछ मोड्स के ऊपर बनाने वाला वीडियो, की मोड्स वगैरह कैसे इंस्टॉल करना है वो सब। एंड साथ साथ सिटी स्काईलाइन 2 का भी एक वीडियो आने वाला है जल्द ही सीजन्स के ऊपर, तो नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर आएगा शायद से। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लेना, एंड लाइक करो भाई। और अपनी गाड़ी जो है दूसरा पोस्ट लेके पहुंचने वाली डेस्टिनेशन पे, एंड उसके बाद फाइनल देखने वाली कहाँ पे जाने वाली, शायद से पोस्ट ऑफिस पे जाएगी, विल सी। आई थिंक यहीं पे कहीं पे इसको डिलीवर करना था शायद से, कर दिया गया भाई इसने डिलीवर। एक सेकेंड
डिलीवर, यस डिलीवर कर चुका है ये, और अभी ये जा रहा है गाइस पोस्ट ऑफिस पे वापस। अभी देखना जस्ट ये कि वहां से तुरंत निकले गया गाड़ी या फिर वहां पे जाके रुक जाएगी जब तक कोई मेल वगैरह नहीं आता, वो देखना है मेरे को। तो यहाँ से अपन थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। चलो यहाँ पे 4,000 अनसोर्टेड मेल है, सोर्टेड 36,000 है यहाँ पे, ठीक है। 10 की 10 गाड़ी यहाँ पे यूज हो रही है, मतलब काफी ज्यादा डिमांड है, बिकॉज काफी टाइम बाद अपन ने बनवाया, दैट्स व्हाई। एंड यहाँ पे ऑल्सो 10,000 समथिंग सोर्टेड मेल है, 6,900 अनसोर्टेड मेल है यहाँ पर, ठीक है। पोस्ट ट्रक्स यहाँ पे यूज में हो रहे हैं, ओके। एंड यहाँ से मेल्स इधर इधर से भी आ रहे, तो जगह से आ रहे हैं यहाँ पे मेल्स, ठीक है। एंड ये जस्ट यहाँ से अभी भर के निकला है, और ये भी जाकर आ रहा है ये वाले इस पे जा रहे हैं। एंड उसके बाद देख लो अपने एक बार कंप्लीट राउट फॉलो करते हैं, ये जस्ट वहाँ पे पहुँचाएगा, फिर वहाँ से वैन निकलेगी जो कि लेके जाएगी लोकल डेस्टिनेशन पे, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मेल्स आ सकते हैं, तो ये फैसिलिटी टू फैसिलिटी जाएगा, लोकली नहीं जाएगा ये वाला ट्रक। तो ये भी काफ़ी सही है यार, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी ये वाली इंडस्ट्री ऑल्सो। एंड अपन चाहे तो विलेज वाले एरिया में ऑल्सो एक फिशिंग इंडस्ट्री भी दे सकते हैं, तो उसके लिए भी मेरे को सजेस्ट कर सकते हो तुम लोग। तो क्योंकि अपन ने ये इधर पहाड़ पे माउंटेन वाले एरिया में अपन ने कहीं पे भी फिशिंग मतलब फिशिंग वाला वो नहीं दिया, क्या बोलते हैं उसको, वेयर हाउस वगैरह जो भी रहता है, शॉप्स जहाँ पे फिशेस सेल करी जाती है। आई थिंक यार वो भी बनाना चाहिए अपने को, क्या लगता है? मैं इसी एपिसोड में बनवा सकता हूँ, बाकी पहले इसको थोड़ा फॉलो करके मैं देखता हूँ कि ये कहाँ पे जाता है भाई, मतलब जाएगा तो वहीं पे, बट मेरे को देखना है कि वहाँ से फिर गाड़ी कितनी देर में निकलती है ना, वो सब थोड़ा देखते हैं। चल भाई यहाँ से कुछ ज़्यादा रफ्तार से लो हो गई भाई मिट्टी वाला एरिया है, वैसे ही कच्ची रोड है यहाँ पे, एंड ऑल्सो ट्रेन भी आ रही है आगे से, ठीक है भाई। अब तो जाम लग गया इधर, चलो भाई लेट्स गो, फटा खोल दो भाई। यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा लग रहा है भाई सीन यहाँ पे, ऐसे नहीं भाई हमने ऐसे कुछ भी बना दिया, थोड़ा लग रहा है यहाँ पे नज़ारा, हमने कंप्लीट सेट करा हुआ है मस्त फार्मिंग वाला एरिया में। जान दो भाई जान दो, खींच के जान दो। आई थिंक आगे से राइट लेना है, थोड़ी दूर चल के अपनी फैसिलिटी आ जाएगी। रॉक्स यार मैं जितना भी है ना जो सड़कों के बीच में रहा हूँ, मैं कितना भी डिलीट कर दूँ लेकिन ये आ जाता है फिर बार बार, कहीं ना कहीं पे रैंडम रैंडम पॉपअप हो जाता है, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। चलो भाई यहाँ पे अपनी वैन पहुँच चुकी है, ओसम। एंड यार मेरे को देखना चाहिए था इससे पहले इसके अंदर डिटेल्स, इसके अंदर टोटल अभी देख काफ़ी ज़्यादा मिल्स हो गए, 51,000 हो गए इसके अंदर भाई। पोस्ट वैन इन यूज़ 12 कैपेसिटी 10 की 12 यूज में हो रही भाई, ये देख रहे कितना हैवी डिमांड है यहाँ पर, यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिमांड है। एंड यहाँ पे जब तक वैन नहीं आएगी जब तक अपन कुछ कर नहीं सकते। कितनी देर में आएगी भाई इधर वैन? तो अनसोर्टेड वाले हैं, अनसोर्टेड वाले चले गए हैं, और यहाँ पे इंक्रीज भी हुए हैं, प्लस एक गाड़ी 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 रुको भाई, वो गाड़ी किधर? अच्छा गाड़ी अभी यूज, अच्छा यूज नहीं हुई गाड़ी अभी। तो अनसोर्टेड वाले थे ना वो वाले सारे इस ये वाला ट्रक पिकअप करके लेके गया है, ठीक है। एंड शायद से वो बाहर भेज जाएंगे अनसोर्टेड वाले, राइट 9, ओके। ये वाली वैन निकल चुकी है, 1,000 ही लेके जा सकती है ये गाड़ी, ओ माय गॉड, ये गाड़ी ओनली 1,000 लेके जा सकती है भाई, तो कितने सारे ट्रांसफर कैसे होंगे? ऑलरेडी यहाँ पे 55,000 है। चलो गाड़ी आई है 1,000 यहाँ पे, 55 है यहाँ पे, लेट्स सी 2,000, ओके। मतलब 1,000 अनसोर्टेड लेके आई है तो 1,000 ही लेके जाएगी, जस्ट देखेंगे अभी थोड़ी देर में यहाँ पे। सो यहाँ से ना 1,000 ही जाते गए, ठीक है, हर एक गाड़ी के अंदर। और ये छोटी वाली गाड़ी 1,000 ही लेके आ सकती है, लेकिन ये ज्यादा लेके आ सकती है बड़ी वाली गाड़ी। और यहाँ पे यार बहुत ज्यादा मिल्स हैं, और शायद से ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है, 63,000 यहाँ पे देख रहे हो। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपने को और ज्यादा फैसिलिटीज चाहिए गाइस अपने को यहाँ पे, तो जस्ट गिव मी चेक। वो सॉर्टिंग के लिए अपने यहाँ पे भी नहीं दिया ना कोई भी, तो मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करवा रहा हूँ गाइस। इसके बाजू में एक फैसिलिटी और दे रहा हूँ, प्लस ये वाला पूरा एरिया कवर है ना अभी, आई होप ये वाला एरिया इन्ना पहुँच जाए। बाकी इधर से कितनी गाड़ियाँ यूज में, 69,000 ऑलरेडी इधर पड़े हुए गाड़ियाँ मतलब मेल्स पड़े हुए इतने सारे इधर। तो भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक फैसिलिटी यहाँ पे डलवा देता हूँ सेंटर में, एक ऑल्सो अपने पास यहाँ पे है, डन। प्लस इधर भी कहीं पर डलवा देता हूँ मैं, ठीक है। नॉइस एंड अपन चाहे तो एक इधर इधर भी कहीं पर रख लूँगी एक, पता नहीं इधर काम आएगी कि नहीं आएगी। बाकी इधर हमने ऑलरेडी एक डाला हुआ है सिंपल, एंड चाहे तो अपन एक इसके अंदर भी डाल सकते हैं प्रिजन के अंदर, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करवा रहा हूँ, क्योंकि जितनी हमने बनवा कर रखा है उतना इनफ नहीं है। और ये वाला आई थिंक दूसरा वाला रोड है शायद से, यस एक हम मैंने यहाँ पे बनवा दिया, तो एटलीस्ट ये वाला इतना बड़ा एरिया कवर कर लेगा, क्योंकि ये वाला एरिया कवर में नहीं है। तो चलो देखते हैं ये लोग ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं कि नहीं यहाँ, और यहाँ पे तो लाइन लगी हुई है भाई, ये देख रहे हो
19,000 अनसॉर्टेड मेल से यहाँ पे 18,000 भाई, ये बड़े वाले ट्रक्स का सीन है। 18,600 कई बार ज्यादा लेके जाते, कई बार कम लेके जाते हैं, थोड़ा सीन है इसके अंदर। बाकी यहाँ पे काफी सारे ट्रक्स जो आ रहे जा रहे हैं। सो भाई यहाँ पे तो कई ट्रक्स जबरदस्त मतलब भर भर के चल रहे भाई। यार ये पोस्ट वाले ट्रक कुछ ज्यादा ही चल रहे भाई इधर, ये देख रहे हो अलग ही लेवल का नजारा चल रहा है भाई इधर। एंड हर जगह घूम रहे हैं अभी, हर जगह घूम रहे हैं, हर जगह ट्रक्स घूम रहे हैं। और इतनी ज्यादा ट्रक्स की तो कैपेसिटी नहीं है भाई, 20 और 20-40 ट्रक्स ही हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बाहर से भी ट्रक्स आ रहे हैं, दैट्स व्हाई। तो अभी ऐसा है कि मतलब ये वाली गाड़ी जो अपनी है, ठीक है, एंड ये वाली गाड़ी बाहर वाली है, तो बाहर से जितने मेल्स आएंगे वो बाहर वाले ट्रक्स आएंगे लेके यहाँ पे, एंड वापस भी लेके जा सकते हैं, लेकिन अपने वाले ट्रक्स भी वापस लेके जा सकते हैं, ये सीन है थोड़ा। और फिर आने का मेरे को कुछ पता नहीं है कि लेके आ सकते कि नहीं, वो पता नहीं कैसे ट्रक करेंगे, नो आइडिया। बाकी यहाँ पे भर भर के ट्रक्स चल रहे हैं, एंड मेल सर्विस फाइनली अपनी अच्छी खासी स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा मेरे को लगता नहीं और ज़्यादा बनवाने की यहाँ पे ज़रूरत है। ऑल्सो मैंने यहाँ पे दिया था कि ये वाला एरिया कवरेज हो जाए पूरा कम्प्लीट, प्लस ये वाले एरिया कुछ ज़्यादा रेड दिख रहा है मेरे को, ये वाली गाड़ी नहीं कर पा रही हैंडल। ओ वेट, यहाँ पे अपने ऑलरेडी एक पोस्ट ऑफिस दिया हुआ है ना, 70,000 यहाँ पे ऑलरेडी है भाई, 40,000 यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। एक और अलग से मैंने मेल पोस्ट सॉर्टिंग के लिए यहाँ पे दे दिया था कि यहाँ से कुछ एक व्हीकल्स निकल के जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ये सारी फैसिलिटीज पे देख रहे हो कितने कितने ज़्यादा मेल्स यहाँ पे पड़े हुए, और मेरे को लगता नहीं है इतने ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे, तो मैंने यहाँ पे और दे दिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपन ट्रांसपोर्ट कर सकें। बाकी ये वाला के लिए अपन थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पे कहीं पे और एक्स्ट्रा डाल के। और यहाँ पे देख रहे हो टैक्सियाँ तो शायद एक भी नहीं खड़ी है अभी, ठीक है, सारी सारी टैक्सियाँ यूज़ में अभी अपनी, तो ये उस समय नाइस। यार एक इधर ही दे दूँ क्या, तो मैंने एक बिल्डिंग यहाँ पे ऑल्सो सेट कर दी है, तो भाई एक ब्लॉक पीछे कर देता हूँ जब तक ठीक हो जाए। नॉइस सॉल्टेड मिल ऑलरेडी इसके अंदर 48,000 आते हैं, ओके। बाकी यार ये वाले रोड पे देखो ट्रैफिक कितना बढ़ गया भाई, नेक्स्ट लेवल बढ़ गया यहाँ पे ट्रैफिक ब्रो। ब्रेक क्यों लगा रहा है यहाँ पे भाई, ब्रेक क्यों लगा रहा है, तभी इतना जाम लग रहा है, ब्रेक क्यों लगा रहा है, काम ड्यूड ब्रेक मत लगाओ यार कोई भी प्लीज, ठीक है, कोई ब्रेक नहीं लगाएगा, गाड़ियाँ फुल रफ्तार पे जानी चाहिए भाई, मैंने वैसा वाला सेट करा हुआ है इधर, कोई ब्रेक ब्रेक नहीं जरूरत है ही नहीं, बस देख लो पीछे तक जाम लगा दे भाई, ब्रेक लगा लगा चक्कर में पीछे तक अपना पूरा कवर हो गया। और यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा जो है गाड़ी अपनी है पोस्ट सॉर्टिंग वाली, दबा दबा घूम रही भाई। तो चलो यही तो गेम है भाई, ट्रैफिक बढ़ाना अपने को मस्त। भाई नज़ारा तो अलग ही है भाई, नज़ारा तो अलग ही भाई इधर, ठीक है। तो भाई तुम लोग अब आई थिंक एपिसोड एंड करते क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया यार अपना, और स्पेशली यही कंप्लीट हो पाया अपना। तो मेरे को यार तुम फिश के लिए भी बता देना, ठीक है, एंड प्लान 1 एंड 2 वो जरूर याद रखना, उसके लिए मेरे को बता देना कि पहले अपने को यू नो यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बनवाना है या फिर नहीं, यहाँ भी बनवाऊंगा अगर बनवाना हो क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर। तो यहाँ से रास्ते को अच्छे से सेट वेट करके यहाँ पे एक अलग से स्टेशन रहेगा ट्रेन स्टेशन, एंड फिर यहाँ से एक रास्ता जो ना इस तरफ जाएगा पैदल वाला, जहाँ से पैदल बंदे इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, तो वो सभी अपने को धीरे धीरे सेट करना पड़ेगा। बाकी इधर अपने एयरपोर्ट वगैरह का सीन सेट करेंगे, तो मेरे को बता देना भाई तुम लोग नेक्स्ट वाले एपिसोड में। अब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलता है, बाय बाय गाइस, एंड एंजॉय द सिनेमैटिक गाइस।